हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट कॉलिंग कैसे यूज़ करते हैं और इसे क्यों ऑन करते हैं, सब बताऊंगी। गाइस मेरे पास है वीवो का फ़ोन है और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्मार्ट कॉलिंग को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड इसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखता है स्क्रॉल करना ऊपर, तो आपको यहाँ देखिएगा शॉर्टकट एसेसिबिलिटी का ऑप्शन एंड इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है स्मार्ट मोशन का ऑप्शन एंड इस पर क्लिक करना एंड इसके बाद आपको स्मार्ट कॉलिंग पर क्लिक करना है। गाइस इसके बाद आपको यहाँ दिखता है स्मार्ट आंसर, स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट म्यूट एंड ये सब हैंड फ्रीज, तो इन सभी को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है इस बार, तो कॉल को रिसीव करने के लिए आपको बस जो फ़ोन है फ़ोन को कान के पास लेके जाना है, तो ऑटोमेटिक ही आपका कॉल जो है रिसीव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। एंड अगर आपका और जब भी कॉल आता है डायल पैड पहले उठाते थे तो अब तब जाके आपका जो है कॉल रिसीव होता था, अब ऐसा नहीं होगा अगर आप इसे ऑन कर लोगे। तो गाइस ये ऑन करते जो न्यू तरीके से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, बस कान को फ़ोन जैसे कॉल आता है फ़ोन लो, कान के पास लेके जाओ, कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से जो है आप कॉल रिसीव कर सकते हो यहाँ और स्मार्ट कॉलिंग की वजह से स्मार्ट मतलब रिसीव कर सकते हो। गाइस इस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट कॉलिंग का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।